बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का आया तूफान, तो वहीं यशस्वी जायसवाल और हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर मचाया कहर। दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के घातक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाजों ने 678 रन ठोक दिए और बांग्लादेश की गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पहला टी20 का मुकाबला हारने के बाद बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा बौखलाए हुए थे और दूसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए और सीरीज में बराबरी पाने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया और पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम कांच के टुकड़ों की तरह इधर से उधर बिखर गई। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कहर बरसा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दूसरे टी20 मुकाबले में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए यहां पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और आज तक जो बड़े से बड़े दिग्गज बल्लेबाज न कर पाए वो सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने दूसरे टी20 मुकाबले में कर दिखाया। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाएंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा खुश हुए। शायद उन्हें लगा कि टॉस की बाजी जीत गए हैं तो दूसरा टी20 का मुकाबला बड़ी आसानी से जीत लेंगे। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, यहां पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए और काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले को लहराते हुए घातक विस्फोटक तरीके से यहां पर दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 14 रन समेट लिए। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। घातक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, यहां पर यशस्वी जायसवाल ने 4th ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 गगनचुंबी चौके ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज की धज्जियां उड़ा करके रख दी। तो वहीं शुभमन गिल भी कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। शुभमन गिल ने अपने अंदाज में विस्फोटक तरीके से मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से 5वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दी और सुमन गिल काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कहर बनकर टूट पड़े। यहां पर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो करें कैसे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों बल्लेबाज मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश की तरफ से 5वां ओवर लेकर के आया काफी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज जो यहां पर यशस्वी जायसवाल को आउट करने के लिए आ रहा था, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 गगनचुंबी चौके ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थरथर कांपने लगे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था तो वही 6वें ओवर की 6 गेंदों पर सुमन गिल ने लगातार 3 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके, लेकिन फिर भारतीय टीम को 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर काफी बड़ा झटका लगा जब भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सुमन गिल आउट हुए। सुमन गिल जैसे ही आउट हुए भारतीय टीम में सनसनी सी छा गई, लेकिन सुमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने मैदान पर कदम रखते ही यहां पर चौके से शुरुआत की और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लेकिन फिर भारतीय टीम को दूसरा काफी बड़ा झटका लग गया जब भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आउट हुए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं लगातार 4 छक्के ठोक दिए। घातक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और
बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों ने 12वें ओवर की दूसरे बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका दे दिया। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर जब ऋषभ पंत आउट हुए, ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था सूर्य कुमार यादव। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। सूर्य कुमार यादव ने यहां पर 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चल रहा था, तो वही 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने ठोक दिए। लेकिन 14वें ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आउट हुए। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं, जो काफी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज है, जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह ने मैदान पर कदम रखते ही 14वें ओवर की 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह ने मैदान पर उतरते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, तो वहीं सूर्य कुमार यादव तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कैर बरसा रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए तूफानी विस्फोटक तरीके से 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने सुनामी ला दी, जलजला ला दिया, तूफान ला दिया। घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था, तो वहीं रिंकू सिंह का बल्ला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक सिर एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह ने 16वें ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रिंकू सिंह ने 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर कवर ड्राइव और चौका ले लिया, जहां पर 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, जहां पर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव के हाथों में पहुंच गई और 16वें ओवर की चौथी बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने छक्का ठोक दिया। तो वहीं 16वें ओवर की पांचवीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, जहां पर छठी बॉल पर रिंकू सिंह ने छक्का ठोक दिया और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए दोनों विस्फोटक शेरों ने यहां पर 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 28 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज मैदान पर बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कैसे जो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रिंकू सिंह की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश का गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने रिंकू सिंह को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन रिंकू सिंह को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कैर बरसा रही थी। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें, सूर्य कुमार यादव का साथ दे रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी की तरह आक्रमण विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह का बल्ला भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रिंकू सिंह ने 18वें ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया, जहां पर 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, जहां पर 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक चौका फिर ठोक दिया, जहां पर 18वें ओवर की पांचवीं और छठी बॉल पर 2 छक्के फिर ठोक दिए और
रिंकू सिंह ने 18वें ओवर में 3 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो वहीं 19वें ओवर की 6 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा दिया और 19वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए और 20वें ओवर की 6 गेंदों पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक करके युवराज, रोहित, विराट और हर किसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर अपना ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को सभी खिलाड़ियों ने सलाम ठोका। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 675 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। लेकिन जब बांग्लादेश की टीम काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई थी और दूसरा T20 का मुकाबला जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही थी, यह टीम जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आई और 678 रनों का पीछा करने के लिए आई तो बांग्लादेश की टीम काफ़ी ज़्यादा फुदक रही थी। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पहले एक ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज ने 6 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए जसप्रीत बुमराह ने 9 रन दिए। चौथा ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए 8 रन दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज ताबड़तोड़ गेंदबाजी तो कर रहे थे लेकिन भारतीय टीम को कोई विकेट 5वें ओवर तक जाते जाते हासिल नहीं हुआ, जहां पर 7वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट चटका दिया, जहां पर 1 विकेट लेते हुए भारतीय टीम को पहला विकेट हासिल हुआ और बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। बांग्लादेश के बल्लेबाज तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी तो कर रहे थे। ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 9वें ओवर में 1 विकेट चटका दिया तो वहीं 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट चटका दिया। 11वें ओवर तक जाते जाते बांग्लादेश के 3 विकेट जा चुके थे लेकिन अब बांग्लादेश के 2 खतरनाक खुकार विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में भारतीय टीम के गेंदबाजों को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे क्योंकि रवि बिश्नोई के 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। रवि बिश्नोई के बाद अब यहां पर मोहम्मद सिराज 13वां ओवर लेकर गए तो लगातार 4 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। जब यहां पर 14वां ओवर लेकर के जसप्रीत बुमराह गए तो लगातार 5 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाज मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से कहर बरसा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए 17वें ओवर में 2 विकेट ले लिए। 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट ले लिए, जहां पर 19वें ओवर में रवि बिश्नोई ने 2 विकेट ले लिए और भारतीय टीम ने 19वें ओवर तक पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को समेट लिया और तूफानी विस्फोटक घातक। आप सभी को बता दें यहां पर भारतीय टीम ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी की, जहां पर सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कोहराम मचा दिया और भारतीय टीम ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम को दूसरा T20 का मुकाबला भी हरा करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां पर हमारी भारतीय टीम ने दूसरा T20 का मुकाबला अपने नाम किया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। क्रिकेट से जुड़ी हुई जानकारी और हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।